हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गुरुग्राम जिले का पंजाबी समाज एकजुट हो गया। इसके चलते गुरुग्राम में पंजाबी समाज ने एक बैठक की। पूर्व मंत्री धर्मवीर गाबा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी समेत तमाम पंजाबी समाज के मौजूद लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जाति विशेष की टिप्पणी करने वाले के खिलाफ अब पंजाबी समाज एकजुट हो गया है, जिसके चलते गुरुग्राम में सोहना, नूह, रेवाड़ी, फिरोजपुर, झिरका के पंजाबियों ने एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जाति विशेष की टिप्पणी का टारगेट करने वालों को कड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सिकरी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तानी कहना जिसने हरियाणा में समान रूप से कार्य किया है। हाल ही में जो घटना हुई है, मैं उसको घटना कहूँ या दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, कुछ एक लोगों ने, चंद एक स्वार्थी लोगों ने, जिनके पास ना समझ के सिवा कुछ नहीं है, बिना उसके परिणाम जाने किसी एक ऐसे सज्जन देवता पुरुष मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को पाकिस्तानी कहना, ये मन की स्थिति है व्यक्ति की, जिसके अंत कहता जिसके पास जो होगा वही देगा। इस दौरान बोधराज सिकरी ने ये भी कहा कि हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल आलोचना ही करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री विधायकों द्वारा चुने हुए नेता हैं और वह साफ छवि के भी हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लोग आएंगे और जाएंगे। भगवान राम के प्रति भी लोगों ने कहा कि कृष्ण के प्रति भी कहा, संतों के प्रति भी कहा, ऋषि मुनियों और योगियों के प्रति भी कहा, इसीलिए मनोहर लाल जी के प्रति कहा तो हम ऐसे लोगों को कोई अहमियत नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें पाकिस्तानी कहकर या पंजाबी कहकर कहने वाले लोगों को कोई परवाह नहीं है। बाकी हर समाज के अंदर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनका काम है क्रिटिसाइज, आलोचना करना, तो इसलिए हम इस चीज की परवाह नहीं करते। जब कोई प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुन के आता है, फिर वो सारे विधायक मिलके अपना नेता चुनते हैं, वो वास्तविक नेता है। तो वही कांग्रेस पार्टी में रहे पूर्व मंत्री और गुरुग्राम की राजनीति के भीष्म पितामह धर्मवीर गाबा ने भी पंजाबी समाज की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज को एकजुट करने की अच्छी पहल है, इसीलिए भाजपा, कांग्रेस, इनेलो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें एकजुट होने की जरूरत है। वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से 4 बार गुरुग्राम विधानसभा से जीता हूं, मुझे भजन लाल ने मंत्री बनाया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे कुछ नहीं दिया। वहीं गुरुग्राम विधानसभा से एक बार फिर जीते सुखबीर कटारिया को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहली बार में ही मंत्री बना दिया, क्योंकि वह जाट कम्युनिटी से आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। वहीं पूर्व मंत्री धर्मवीर गाबा ने यह भी कहा कि मुझे हराने का कारण भी यही था कि पंजाबी समाज को नीचा दिखाया जाए, इसीलिए हम अपने दम पर बने। वहीं भाजपा नेत्री रश्मि खेत्रपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 7 वर्ष में इतने कार्य किए हैं जितने 70 वर्षों में अन्य पार्टियां नहीं कर पाई, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास के कार्य किए हैं। वहीं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा पंजाबी समाज मुख्यमंत्री के लिए एकजुट खड़ा है। आज शुरुआत थी, मुझे इसलिए खुशी है, ये सम्मानित करने का तो एक जरिया था, शुरुआत थी, असल में तो यही शुरुआत है इनको इकट्ठा करने के, और उस बात के लिए मैं खुश हूँ, तभी मैं आया हूँ, नहीं तो यहाँ तो सारे बीजेपी के थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब बीजेपी का, कांग्रेस का, लोकदल का वो नहीं रहेगा, अब तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग सब लोग आज भी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए खड़े हैं, और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति का बहाना लेकर उनके खिलाफ कोई भी कर सके, हम उन सब के खिलाफ खड़े हैं, और जब भी हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, पूरी पंजाबी बिरादरी उनके लिए एकजुट खड़ी मिलेगी। गुरुग्राम में हुई पंजाबी समाज की बैठक में हर पार्टी के नेता मौजूद रहे और एक ही सुर में सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहकर बोलने वाले लोगों को भी समाज के लोगों ने कड़ा संदेश दिया। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।